Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Sapa vidhayak Atul Pradhan mein Newtima hospital vivad aur takrao ki sthiti mein pahunch gaya hai. Aaj subah se hi जहां सपा विधायक ने अपने दलबल के साथ जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है, वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण ने न्यूटिमा हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में न्यूटिमा हॉस्पिटल के स्वीकृत मानचित्र के अलावा बनाए गए निर्माण को सील करने की तिथि यानी मंगलवार घोषित कर दी गई है। वहीं न्यूटिमा हॉस्पिटल के एक बड़े हिस्से को सील करने की इस प्रस्तावित कार्यवाही का मेरठ मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है। आयोग ने घोषणा कर दी है कि यदि ऐसा हुआ तो जिले के चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। विधायक का आमरण अनशन, प्राधिकरण द्वारा कल की प्रस्तावित सील और इसके विरोध में आईएमए की चेतावनी ने निश्चित रूप से इस मामले को बेहद ही अप्रत्याशित हालात में पहुंचा दिया है। इस बीच यह भी जानकारी में आया है कि मेरठ विकास प्राधिकरण की इस प्रस्तावित सील का विरोध करते हुए न्यूटिमा हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। इस बीच रुक करते हैं रविवार के बाद आज सोमवार को इस प्रकरण में हुए घटनाक्रम का। दोपहर सपा विधायक अतुल प्रधान ने जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। यहां कढ़ाई में भट्टी चढ़ाने को लेकर समर्थकों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन अंततः उन्हें इसकी मौन सहमति दे दी गई। देखिए मौके के हालात। ये प्याज निकाल के अंदर है, उधर हलवाइयों को काम नहीं करने दे रहे पुलिस वाले, खाना भी नहीं बनने दे रहे, खाना भी नहीं बनने दे रहे, वो नहीं दे रहे। इस मौके पर अतुल प्रधान ने सभा को संबोधित किया। इससे पूर्व सपा विधायक ने शहर में तमाम जगह निजी अस्पतालों की लूट के खिलाफ आमरण अनशन के बैनर व होर्डिंग लगा दिए थे, जिन्हें रात में ही नगर निगम ने अवैध बताते हुए हटा दिए थे। आज अनशन पर बैठे अतुल प्रधान ने मीडिया से यह कहा, ये गरीबों के हक के लिए है, कमजोर लोगों के हक के लिए है। जो निजी अस्पताल, सब डॉक्टरों के लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन जो लूट मचाए हुए हैं, हम तमाम लोगों के साथ मिलकर आज मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूं, और जब तक ये व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी तब तक हम लड़ेंगे। ये सरकार के लोग चाहते हैं कि हम लोग चुप रहे। अभी पता चला खाना नहीं खाना देना चाहते जो लोग आए उनको, तो हमारा सिर्फ इनसे कहना, हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है और सरकार को मानना चाहिए और हमारी बातें जनित की। उधर मेरठ विकास प्राधिकरण ने आज जारी अपने नोटिस में कहा है कि न्यूटिमा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने पार्किंग के लिए आरक्षित स्थल पर किए गए पार्टीशन को तमाम नोटिस के बाद भी नहीं हटाया है और न ही समन मानचित्र ही प्रस्तुत किए हैं, जिस कारण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण को सील करने की तिथि 5 दिसंबर नियत की गई है। जिलाधिकारी व एसएसपी से सभी आवश्यक इंतजाम करने के लिए प्राधिकरण सचिव की ओर से कहा गया है। इस बीच प्राधिकरण के इस नोटिस मेरठ नर्सिंग होम एसोसिएशन व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने बेहद गंभीरता से लिया है। दोनों एसोसिएशन ने संयुक्त पत्र जारी कर कहा है कि पिछले 5 दिन से दोनों संस्थाएं प्रशासन के संपर्क में हैं। न्यूटिमा में मरीज भर्ती हैं, लिहाजा 3 दिन का समय मांगा गया है, जिससे हॉस्पिटल की कंपाउंडिंग आदि को कानूनी प्रक्रिया नियमित कर ली जाए। इसके बाद भी प्राधिकरण द्वारा हॉस्पिटल को सील करने के आदेश दिया गया है। इसे लेकर हाईकोर्ट में भी वाद दायर कर दिया गया है, इसकी सुनवाई अपेक्षित है। दोनों एसोसिएशन ने कहा है कि यदि कल प्राधिकरण हॉस्पिटल को सील करता है तो सभी चिकित्सक प्राधिकरण के वीसी को चाबी सौंपकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।